हर स्वामी दयाल किए जा राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी स्वामी सहायता हो गया पंच में चल गई उम्र गुजर गई अब वायु को मैं जाना चाहूंगा मैंने प्रण किया था अपना अन्न फैलाने का क्यों मैं हूं ब्राह्मण हिंदू में घर में पैदा हुआ हम राम कृष्ण देवताओं को मानने वाला था किस्मत खोटी या अच्छी पता नहीं राम की तलाश में एक दृश्य द्वारा दासादार महाराजी जी के जो स्टैचू है उनके चरणों में एक विजय के दृश्य के द्वारा ले गए। उस वक्त यह नाम मुझको दिया गया राधा स्वामी नाम क्योंकि इनके मत में सबका खंडन था वो खंडन के तौर पर वो खंडन का समझ आ गई तो मीसा भी समझ में ऐसा हुआ वो कहते हैं दत्तात्रेय भी नहीं पहुंचा देता दत्तात्रेय भी नहीं पहुंचा और राम कृष्ण भी काल मत के अवतार पामन को चीनो रे भाई पामन को चीनो रे भाई तन छूटे मन कहाँ समाई संत सनंदन जय देव नामा भक्ति हेत मन उन्होंने जाना पामन को चीनो रे भाई तन छूटे मन कहाँ समाई तन के सनंदन जय देव नामा भक्ति हेत मन अनहुन जाना तन के सनंदन जय देव नामा भक्ति हेत मन अनहुन जाना अम्बरीश पर लाद सुदा सहित मन उन्हों न जाना अम्बरीश प्रहलाद सुदामा भक्त सहित मन उन्हों न जाना भर्तरि गोरख गोपी चंदा तामन मिल मिल कियो आनंदा भर्तरी गोरख गोपे चंदा तमन मिल मिल कियो आनंदा जामन के कोई जान न भेवा तमन मगन भय सुख देवा जामन के कोई जान न भेवा तमन मगन भय सुख देवा किरसन काद कनारद शेखा तन भेतर मन उन्हों न पेखा अब तुम देखो बानी को सुन तन भीतर मन उन्हों न पेखा एक निरंजन सकल शरीरा तमें भरम भरम रहल कबीरा एक निरंजन सकल शरीरा तमें भरम भरम रहल कबीरा तमन को चीनो रे भाई तन छूटे मन कहाँ समाई अब तुम देखो ये ऐसी बाणियां मैंने सुनी
और किसी को छोड़ा है कबीर साहब ने, किसी को छोड़ा है कबीर साहब ने? मैंने छोड़ा। तो फिर ऐसी बाणियां सुनकर मैंने स्मरण किया था कि मैं इस रस्ते चलूंगा सच्चा होकर, जो कुछ मेरा अनुभव होगा मैं संसार को बताता हूँ। ये तो मेरा प्रण, मैं किसी पर कोई एहसान नहीं करता, बल्कि आप लोग मुझ पर एहसान करते हैं कि वो जो मैंने प्रण किया था कि अपना अनुभव कह जाऊंगा, आपकी वजह से मुझे वो अपने कर्म काटने का अवसर मिलता। अब संत मत ये कहते हैं कि नाम समझे पड़ा, सभी नाम की मैं मंगाते हैं। कलयुग में भी तुलसीदास ने कहा है, करी केवली के नाम आधारा, सुधी शास्त्र सुधी मस्तारा। आज पढ़ा समझ पड़ा, वो पढ़ो कहाँ से है? जिन नाम लिया तने काम किया, रान राने दाता दाने, मान प्रतिष्ठा भागी, ये सब बड़े हैं से बड़े हैं, नाम रागे अनुरागी। अब वो नाम की मैं बताता हूँ मेरे गुरु महाराज के शब्द। अब तुम सोचो, क्या मुझे अपनी आत्मा में दाहन होकर ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या तुमको नाम मिल गया? और कबीर साहब के मुताबिक तुमने इस मन के रूप को समझ लिया, और अगर तुमको नाम मिल गया है तो सच बता मेरी आत्मा की संति कि तू क्या बन गया? ये एक सवाल है तो मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। इस नाम को जपने के लिए देखते नहीं किसी इंसान सन्यासी हो गए, कोई जंगल में फिरता है, कोई पलटी करता है, कोई आनंद मार्गी है, कोई राजा स्वामिया है, कोई कहीं है, नाम की पीछे तमाम दुनिया फिरती है ना। ये एक सवाल है जो मैं आपको नहीं कहता, अपनी आत्मा को पूछता हूँ। बेहजा तू लोगों को देश करता है, गला में देखता है, तू बता तूने उस नाम को क्या समझा? मेरी जिंदगी गुजर गई, नाम तो मुझको देने वाले थे दाता ज्ञात, मगर उस नाम को मैंने तुम लोगों को समझा। तुम मेरे सच्चे सदगुरु साबित हुए जिन्होंने मुझे नाम की असली और असलियत बताई, मगर जो नाम मुझको मिला है तुमको उस नाम की जरूरत नहीं। जिस नाम को मैंने समझा है वो मैं ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैंने नाम को समझा है यही नाम है। जो कुछ मुझको उस नाम से जो मैंने समझा, जो मुझको उससे मिला, वो मैं आपको बताता हूँ। किसी बात का कोई दावा मेरे पास नहीं है, ना मैं कोई अहंकार करता हूँ। वो नाम सिर्फ ये है कि मुझको मन का रूप समझ में आ गया। जिस तरह कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है ना कि दत्तात्रेय ने किसी ने किसी ने किसी ने किसी ने किसी ने मन को नहीं समझा, मैंने मन को समझा है, और वो भी दया है और दाता जाएगी। उन्होंने मैं इस बात के समझने के लिए मेरी उम्र गुजर गई। आजकल कोई किसी को पैसा नहीं देता, मैंने 12 साल की कमाई सारी दी हुई है, सोने के चार चांदी के हुक्के मार क्या कुछ मैंने नहीं किया हुआ होगा, सिर्फ ये समझने के लिए कि ये नाम जो है ये है क्या। हम तो यही नाम समझ लेते हैं, मारा फेरता था राम 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 राम, ये करता था मैं छोटी उम्र में,
विष्णु करके नाम का पाठ करता था, मैं कहता था ये नाम है। मगर जब पंथ में आया इन्होंने दाता डाले, राधा स्वामी नाम दे दिया। मैं राधा स्वामी नाम मुझ अपने मन के साथ जपते रहा, मगर वो तो मन के साथ में राधा स्वामी करता रहा, मन के साथ जहाँ ध्यान लगा कर वो नाम नहीं था। नाम को तो सिर्फ वो पा सकता है जो पहले अपने मन को समझे। जिसने अपने मन को नहीं समझा वो नाम को पा नहीं सकता। तो मन क्या चीज है, तो मन की समझ मुझको आप लोगों से आ गई। मन की समझ मुझको आप लोगों से आई है। सिर्फ इस एक ख्याल ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, मुझको इस मन के रूप की समझ आ गई। बस सिर्फ देखा है, ये ही एक पर्दा था संत मत में। इस पर्दे में रहकर हमको हर एक मजहब ने, हर एक पंथ ने, हर एक गुरु ने अपने जाल में फंसाया, अपने जाल में फंसाया और हमको लूटा, हमको बेवकूफ बनाया और अपनी गद्दियाँ, अपनी जायदादें, अपनी दौलतें अपने बच्चों को दे गए। यह है बात सच्ची जो मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊँगा, दादा दाल ने कहा था कि चोरा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना, जमाना बदल जाएगा, तेरे बयान मेरा भी आप को लोग पता नहीं करेंगे, तुम चोरा छोड़ने से पहले शिक्षा को बदल जाए। अब मैं शिक्षक कैसे मुझे बताएगा, कल एक औरत की मेरे पास चिट्ठी आई, मैं उसको नहीं जाना। वो कहती है बाबा जी मेरी औलाद नहीं थी, आप सपने में आए या अभ्यास में आए, आप मुझे बच्चा दे गए रोशनी का। अब मैं चौथे महीने में हूँ, आप अपनी जा रहे। अब जब उसने मुझको लिखा तो क्या मैं सोचने के लिए मजबूर नहीं हूँ कि क्या मैं गया था। मैं तो उसको नहीं जानता, मुझे नहीं पता वो कौन। ऐसे ही मुझे हर रोज चिट्ठियाँ आती, अब मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ क्या उन लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, उनके काम हो जाते हैं, वो समझते हैं मैं उचार में बैठा हुआ ये काम करता हूँ, इसलिए वो मुझे बुला रहे हैं। दो आदमी खर्च 18,000 रुपया सिर्फ एक तरफ से जाने का, 18,000 रुपया सिर्फ आने का, 36,000 रुपया वो खर्च करेंगे। तो आप लोग मेरे पास आ जाते हैं, मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि ये क्यों चल जल्दी अपने से कर ली। मैंने चल जल्दी ली अपना ही कर्म पहुँचता हूँ, क्योंकि अपना ही मेरा राज था कि मैं इस पंथ में जो कुछ समझ में आएगा बता जाऊँगा। और यही क्योंकि दादा दाद ने कहा था चोरा बदल देना, तो चोरा बदलने के पहले तालीम को बदल जाना, तो मैं तालीम को बदले जा रहा हूँ। ऐ इंसान, तुमको इस दुनिया में जो कुछ मिलेगा, मिलता है, मिल चुका है, ये तेरे अपने ही कर्म। जैसा तूने सोचा है, जैसा तू सोचेगा, उसका फल तुमको अवश्य मिलेगा। कोई ताकत रोक नहीं सकती। उस कर्म के फल को काटने के लिए फल का बदला मिलता है, दुख या सुख। हमारे बुरे या अच्छे कर्म का जो फल मिलता है, या दुख या सुख, तो दुख और सुख दोनों मन के अंतर हैं।
कईयों के कर्म सपने में कट जाते हैं, कई आदमियों के कर्म सपने में कट जाते हैं और कई आदमियों को जागृत में कर्म भोगने पड़ते हैं। जो नेक आदमी होते हैं, परमार्थ वाले होते हैं, उनके कर्म सपने में, अगर वो बुरा कर्म हो सपने में कट जाते हैं। अगर कोई अच्छा कर्म हो मगर आदमी गंदे हालात रखता है, पवित्र नहीं है, उसके जो अच्छे कर्म किए हुए हैं वो उनके सपने में कट जाएंगे, सपने में राजा हो जाएंगे, सपने में उनको दौलत मिल जाएगी, सपने में उनको कुछ मिल जाएगा। अच्छे आदमी हैं, उनको कर्म उनके खराब हैं, वो सपने में कुएं में गिरेंगे, सांप उनको डंगेंगे, ये होगा। जिन आदमी को आप देखें सपने में, कई आदमी डरते हैं, घबराते हैं, नहीं घबराते हैं, डरते हैं, कुएं में गिरते हैं, फिर कट जाते हैं, बाजू कट जाते हैं, ऐसे ऐसे सपने आनों को आते हैं ना, उसका क्या मतलब कि वो उनके पुराने संस्कार हैं। जो जो ख्याल तुम्हारे दिमाग पर बैठते हैं वो अपना नक्शा बनाते हैं, तुम बच नहीं सकते। और जब तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा किसी उम्र में, या जब तुम सो जाओ तो शरीर कमजोर हो गया ना, कर्मेंद्रियां काम नहीं करती हैं, तो वो जो नक्शे तुम्हारे दिमाग में पड़े हुए वो तुम्हारे सामने आते हैं। अच्छे और बुरे, जो आदमी संगत अच्छी करता रहता है, अच्छे एटमॉस्फेयर में रहता है, उसके बाद से काम सपने में कट जाता है। मेरे कटे, मैं आगे भी आपको बताया करता हूँ, मैं जहाँ से लड़ाई में चला गया, जहाँ से लड़ाई में गया 1916 में, 1917 में मैंने रात को एक सपना देखा, अपने खानदान के ब्राह्मणों के कुल के किसी स्त्री के साथ, जो मेरे लिए पूजनीय थी, उसके साथ सपने में मैंने भोग किया। जब मेरी जाग खुली, होश आई, तो मैं रोया, फिर मरा मेज के साथ कि मैंने क्या पाप किया, दुखी हुआ, चिट्ठी लिखी अपने बाप को, मेरे साथ सपने में ये कुछ हुआ, मेरा सेवा देखो गणपति। वही चिट्ठी अपने गुरु महाराज से लिखी, तो दादा ने मेरे बाप ने मुझे लिखी कि तेरा बर्फ फल बनाया, उसमें ये नीच ग्रह तुम्हारा पड़ा हुआ था, तुमसे ये नीच काम होना था। दादा ने लिखा ये तेरे पिछड़ा को कर्म है, क्योंकि तुम सत्संगी हो, डरते हो, वो जो तुम्हारा कर्म है वो सपने में कट गया, अगर जागृत में होता तो दुनिया में मुंह है। ये मेरी आप बीती है, तो मेरे साथ बीती है। तो जब तक कोई आदमी मन के रूप को नहीं पहचान लेता, वो इस नाम को प्राप्त नहीं कर सकता। नाम असली न तो राम राम है, रे रा और माँ है, और ना ही वो राधा स्वामी है, ना ही वो सत्राकार ओंकार दारंकार सुहंकार और सत्याकार है। नाम वो चीज है जो मन से निकल करके हमको प्राप्त होती है, उसका नाम है नाम। ये मैंने समझा, तो दादा फरमाते हैं पढ़ो जिस नाम लिया, नाम लिया तेने काम किया। कौन सा नाम लिया? जिसने राम राम जपी? नहीं। जिसने पंचनाम का स्मरण किया? नहीं। जिसने मन से अल्लाह हू कहा? नहीं। नाम वो है जो मन से परे हो गए तुम्हारी हालत होती है, उसका नाम नाम।
ये मेरी समझ में आया। और यही संत मत में राधा संत मत कहते हैं, 304 पद दीना, नाम रहे सतगुर आधीना। सत नाम सतगुर गति चीना। 304 पद चीना, सत नाम सतगुर गति चीना। यानी नाम जो सतनाम है या सतगुरु जो है वो हमेशा त्रिलोकी से परे मिलता। मैं इस त्रिलोकी से नहीं निकल सकता था, निकला तो मैं अब भी नहीं, मगर अब मैं त्रिलोकी में फंसता नहीं। जब तक मेरा शरीर है और जिसम है, संत का हो, अवतार का हो, पैगंबर का हो, वो जीव तो उस जब तक जिंदगी है ये रहेगा, मगर उसके रूप को चीनना है, जानना है कि मन क्या चीज है। तो मन का मुझे पता नहीं लगता था कि क्या चीज है। जब से मुझको ये पता लगा कि मेरा रूप लोगों के अंदर प्रकट होता है और मन, तब से मैं मन के रूप को समझ गया। और हूं स्वामी तुलसीदास कह गया, वो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जाने हो भाई। जहाँ तक तुम्हारा मन जाता है, मन को अब तुम्हारी क्या चीज है, तुम्हारे अंदर में जो बुद्धि है, जो अकल है, जो समझ है, जो चिंतमन है, उसका वो है मन का रूप। तो नाम लिया, उसने काम किया। तो नाम क्या है, कोई शख्स नाम नहीं ले सकता सच्चा जब तक उसको मन के रूप का पता नहीं है। जिसने कबीर साहब ने कहा परोस कही को, मन क्या है, मन को जीनो रे भाई, तन छोटे मन कहाँ समाई। कहते मन को चीनो, जब तक कोई आदमी मन को नहीं चीनेगा वो लाख राधा स्वामियां बन जाए, नानक पंथिया बन जाए, कोई बन जाए, नामधारी बन जाए, केस रख ले, कड़े पहन ले, टिक्का लगा ले, वो असली नाम का नहीं पाता। मैं यहाँ से क्यों कहता हूँ, जब मैं राधा स्वामी नाम जपता था अपने अंदर, दाता का रूप ध्यान करता था, आनंद शब्द सुनता था, रोशनियां देखता था, बीने मैंने बसे बगदाद में सुन, मैं क्या फिर काम ही नहीं हुआ। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्या फिर मैं काम नींद सुन रोशनी की इस वक्त मेरी फोटो है वो कालीदारी वाली, जिस वक्त मैं बसे बगदाद में था तो अभ्यास करता था, मेरे अंदर प्रकाश होता था इतना कि अगर मैं रात को बिस्तर पर रिलाई ले लेता तो मैं रिलाई मेरे से रोशनी निकल के सच्ची कड़ियाँ गिन सकता था, इतना मेरे अंदर प्रकाश होता था। और बीन सुनता था, सब कुछ करता था उस वक्त की वो फोटो। जब मैं वहां से वापस आया, क्या मैं फिर काम ही नहीं हुआ, हुआ। अगर तू तो रात के लिए सिर्फ और उसके पास जाता तो मुझे कोई दुख नहीं होता, मैं तो स्वाद में फंसा, गुस्सा भी आता था, स्टाफ के आदमी रोटी खाते थे, निराश होता था उनको, वो उनकी नुकसान नहीं पताया मगर जुबान से हमेशा उनको कहता था, लोग मैंने नाजायज पैसा नहीं कमाया, पर क्या मुझे ये ख्वाहिश नहीं थी कि मेरे चार पैसे तरक्की हो जाए। क्यों मैं फंसा,
क्योंकि मैं मन के रूप को नहीं समझा। ये मन है क्या चीज? मन ने मुझे काम ही बनाया ना, ना मैं स्मरण किया बखेरा जितना मेरी मर्जी है, प्रकाश देखे, सब देखे, सब कुछ देखे, मगर वो चीजें छूटी नहीं मुझसे। क्यों ये छूटी? क्योंकि मैंने मन को नहीं समझा। ये मन को समझाया तुम लोग, मेरे शरीर को कुछ पर मैं छूट नहीं बोलता, जाता जाए तो यहाँ है नहीं। मैं आप लोगों को इस वक्त अपना सदगुरु मानता, तुम लोगों की दया से, तुम्हारी वजह से मैं इस संत मत को समझने के योग हुआ। जहाँ व्यास है जोशी, उसके अंदर मेरा रूप हूँ और ज्ञान प्रकट होता है ना, उसके काम होते रहते रोज एक दो चीज में मेरे पास आते हैं। जहाँ वो कहते हैं मेरा रूप उनके अंदर प्रकट होता है, जागृत में प्रकट होता है, लड़कों के पर्दे आते आ जाता है। और मेरे बाप को पता नहीं, मैं जानता नहीं कौन मेरा ध्यान करता है, राणा आदमी मेरा ध्यान कर रहे, मुझे कुछ पता नहीं। तब मैं मन के रूप को समझ गया। ये दुनिया में जो कुछ तुमको मिलता है, दौलत, इज्जत, सेहत, मान, ये सब तुम्हारे मन की वजह से है। इसका कोई तालिक नाम से नहीं है। नाम तो है कि इस संसार से तुम मुड़ के ना आओ और अपनी हस्ती को उस परम तत्व आधार, जिसको किसी ने आकार का, किसी ने राधा स्वामी का, किसी ने अनामी का, किसी ने ला का, उसमें हमेशा मर्द होकर, ताकि हम फिर दुनिया में हमारी हस्ती हो। नाम तो उसके लिए, उनके लिए है जो ये चाहते हैं कि हम मुड़ के दुनिया में ना। बाकी जो कुछ भी है दुनिया की चीजों में, इसमें तुम्हारा मन काम करेगा। आप लोग आ जाते हैं, मैं एक बड़ी जिम्मेवारी को महसूस करता हूं, बहुत जिम्मेवारी को महसूस करता हूं। मैं अपनी मन को साफ रख के जाना चाहता हूं। अगर मैं पालगी करता हूं, उनको मैं धर्म से कहूं सच्ची बात, बुरा कोई ना माने, जितने पिछले पंथ द्वारा चले गए, उन्होंने अपनी सच्चाई हमको नहीं बयान की और हमको किसी मजहब में, किसी पंथ में बांध कर हमारे धन लिए, हमको बेवकूफ बनाया गया। अब हम बेवकूफ बनने में बड़े खुश हुए। अब ये माई है मेरे पास आती है, प्रेम करती है, जब भी मार लेती है, इसको पूछना चाहता हूँ मेरे पास क्या है। किसको जब भी मारती है, तू किसको ध्यान करती है? मैं देखता हूं तुम अपने ही मन में आप फंसी हुई है। हम लोग लुट गए, उनको सुनो, तुम जवान और तुम लुटते हो और मना लेते औरत बीवी को बुला लेते, वो क्या करती है? तुम्हारा सारा थक खाती है, तुम्हारी ताकत सारी खा जाती है, तुम्हारी दर्द को ले जाती है और फिर बच्चे पैदा कर लेती है, फिर तुमको उन बच्चों का गुलाम बना देती है। जिनके लड़कियां पांच पांच छह छह हैं, उनको घर नहीं मिलते, पूछो वो कहां जाके रोके मरते हैं। क्या कहा मैंने? ग्रहण मानना। हम लोगों को ये संत मत उन लोगों के लिए नहीं है
जो दुनिया चाहते हैं, बिल्कुल सही। नाम उन लोगों के लिए नहीं है जो दुनिया चाहते हैं, नाम उनके लिए है जो ये चाहते हैं, जिनको ये तजर्बा हो गया कि दुनिया में दुख है, दुनिया में कोई सुखी नहीं, और वो हमेशा इस जिंदगी में बचना चाहते हैं, उनके लिए नाम। हम गुरुओं ने अपने नाम के लिए, जो मेरे 10,000 चेले हैं, 20,000 चेले हैं, 40,000 चेले हैं, हमको रोचक और भयानक बातें बता बता कर अपने जाल में फंसाया। बात इसी बात से मैं कहता हूँ कि मैं आया हूँ अनामी धाम से, इस फकीर के चोले में बोल रहा हूँ। फकीर चंद की दे अनामी धाम से नहीं आई, फकीर चंद का मन अनामी धाम से नहीं आया, फकीर चंद की रूह अनामी धाम से नहीं आई। जो समझ मैं दे रहा हूँ वो समझ जो है, वो जो ज्ञान है, वो अनामी धाम से आया। फकीर चंद मर जाएगा, इस जिस्म को आग लग जाएगी, मन खत्म हो जाएगा, रूह प्रकाश में चली जाएगी, फकीर चंद नहीं रहेगा। मगर जो कीर्तन के दिमाग में चीज बैठ रही है, उसको मैं कहता हूँ वो अनामी धाम से आई है, ताकि मुझे कोई गलत ना समझे। और मैं ही नहीं, तुम सब वहां से आए हो, तुमको पता नहीं है अपने घर का, तुम अपने घर को बिखर गए, भूल गए और दुनिया के चक्कर में आगे फंस गए। तो मैंने आज सब निकला था पहला चलो ये नाम लिया, जिन्हें नाम लिया तेने काम किया, राना रानी दाता दानी मन प्रतिष्ठा भागी, ये सब बड़े कहते हैं कि राजा है, बड़ा अमीर है, बड़ी प्रतिष्ठा वाला है, धन वाला है, उससे ज्यादा बड़ा वो है जो नाम का अनुरागी, नाम के प्रेमी। क्यों? मैं अपनी आत्मा से पूछने का हक नहीं रखता, वो बड़ा कैसे है? राजा है वो भी दुखी है, इंदिरा का क्या हाल हो रहा है, दुखी है कि नहीं? डिसाई प्राइम मिनिस्टर है, क्या शांति है? बताओ, शांति तो नहीं? बर्बाद करी को इसने लाखों रुपया दान किया हुआ, क्या वो दुखी नहीं होता? तो नाम लेने वाला किस लिहाज से इन सबसे बड़ा है कि नाम के लेने वाले को इस संसार में दुख नहीं? कैसे दुख नहीं है? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, भगवान चंद अगर रोचक ज्ञानक संतों का पक करेगा, डूब के मरेगा, क्यों वो बड़ा है? क्योंकि उसने मन के रूप को समझ लिया, और क्योंकि उसने मन के रूप को समझ लिया है, और ये दुख और सुख और मान और इज्जत और बड़ाई और सुखाई जितनी है, इनका ताल्लुक मन से है। और जब तक कोई मन के रूप को नहीं समझता, राजा हो, प्रजा हो, बादशाह हो, गरीब हो, अमीर हो, जो कुछ भी हो, वो दुख और सुख से बच नहीं सकता। इस वास्ते जिनको नाम मिल गया वो इन सब से बड़ा हुआ। फिर क्या साबित हुआ?
वो नाम कौन है, क्या वस्तु है जिसको दुख, जिसको दुख नहीं व्याप्ता। अब मेरे पास कितने आदमी आते हैं, दुनिया के दुख, मेरा लड़के के साथ ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, सभी दुखी है कोई तुम्हें तो बताओ। तन भर को जिसने जब तक मन को नहीं पहचाना या अपने आप को नहीं जाना वो दुखी रहेगा। राजा हो प्रजा हो, यही कबीर ने कहा है, तन भर सुखिया कोई न देखिया, जो देखिया तो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कह तू सबका किया रेखा हो। राजा दुखिया राणा दुखिया, रंक दुखी विपरीति हो, ब्रह्मा दुखिया विष्णु दुखिया, जिन ये राह चराई हो। आगे सब रहे कभी सुनो पैसा दो संत की मन जीती, तो मन को जीतना ये नहीं है कि तुम मन को, जब तक तुम्हारी जिंदगी है कोई संत कोई परमात्मा कोई राम अपने मन को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मन हमारी जिंदगी है। जिस तरह दिल हमारा है, अगर दिल काम करना बंद कर दे तुम्हारा जिस्म मर जाएगा, अगर मन तुम्हारा ना हो तुम जिंदा नहीं रह सकते। सिर्फ इस मन के रूप को समझ कर और अपने आप को अलहदा समझ कर, मन के जो खेल हैं इनमें ना फंसना, यही संत मत। ज्यादा मेरी समझ में और कुछ नहीं आया। इसी का नाम है जीवन मुक्त अवस्था। मन तो किसी से मरता नहीं। ये जितने आदमी कहते हैं संत कहते हैं, वो तालीम और थी रोचक और भयानक, जिससे हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में कि नहीं। हम कह रहे बच्चा जब थर्ड में पास हो जाएगा अव्वल नंबर आएंगे तो हम साइकिल लेके देंगे, तनु कड़ी लेके देंगे। वो रो सकता है या डरा देना, यथार्थ बात नहीं है। किसी ने मन को काबू नहीं किया, मन नहीं मारता कोई भी, ना मन मरता है कभी जब तक तुम्हारा शरीर है। मन को के रूप को जान लेना उसकी मौत, मन के रूप को जान लेना मन को मारना है। अपने मन तुम्हारे काबू में रहे, तुम मन के काबू में ना हो, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। तो आज शब्द निकला था नाम क्या है, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कह जाऊंगा, मुझे पता नहीं दोस्तों मैंने जो कुछ समझाया ये ठीक है या ये गलत है। जहां मुझको शांति मिली, जो बात मैं ध्यान करना चाहता था कि कबीर साहब के पास या स्वामी जी के पास या संतों के पास क्या हक था कि उन्होंने हमारे तमाम बुजुर्गों को ऐसी तैसी फेरी, दत्तात्रेय भी नहीं पहुंचा, राम भी काल का अवतार, कृष्ण भी काल, इसने मुझको दुख दिया हुआ था, दाता से मेरा विश्वास नहीं टूटा और इनकी वाणियां मुझे फेर नहीं देती थी, तो मैंने प्रण किया था इस रास्ते सच्चा को चलूंगा, जो कुछ मुझको मिलेगा वो मैं सुल्तान को बता दूंगा, मैं किसी पर कोई एहसान नहीं करता, हुक्म था गुरु की सेवा करो, जितनी मेरी शक्ति थी मैंने की, सच्चे दिल से की, थूक खाए, छुट्टी आता तीन तीन मैंने उन्हीं के दरवाजे पर पड़ा रहता, सोने की और मार्ग काट बनाता, कपड़े बनाता, ये आगे करता वो खोते रहिए, जो वो सामने कितना बड़ा भारत बात है, आज हुक्का पड़ा चांदी के हुक्के, ये कुछ मैंने किया। ये देखना चाहता था कि ये क्या चीज है नई जो ये संत बताते हैं, वो मैंने जो समझी अपने कर्म को भाई, नाम वो है जो नाम के मैंने तुम ला, एक आदमी अपने अंदर धुन सुनता है,
लोग कहते हैं नाम धुन है, ये ठीक है, तुम आवाज सुनते हो मगर मन तुम्हारा काबू में नहीं, तुमको गुस्सा आता है, नहीं समझ में आती है, इसलिए मैं नाम नहीं सुनते तुमको, तो क्यों नहीं देता? जो नाम आम दुनिया देखती है वो नाम है सिमरन का, मन को इकट्ठा करने का। ज्ञान से मन इकट्ठा होता है, मन से भी नाम इकट्ठा होता है। सिमरन करने से तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं? ज्ञान करने से तुम्हारा मन इकट्ठा हो जाएगा। जब तुम्हारा मन इकट्ठा होगा, अगर तुमको ये ज्ञान नहीं है जो मैंने बताया है कि ये माया है नहीं, तुम्हारे मन की विल पावर बढ़ जाएगी। जिससे मैं समरिज्म वाला क्या करता है, बाहर में कारण निशान बनाता है, उसको लगातार देखता रहता है, आंख नहीं चलो, तो जब उसको वो कारण निशान फूल नजर आता है, फूल जानते हो ना, तो मेरी का फूल सदा निशान वो देखने लगता है, तब उसमें शक्ति आ जाती है, किसी को बेहोश कर लेता है, किसी कुछ कर लेता है, तमाशे करता है। इसी तरह से दो शख्स नाम जपते हैं, अगर उनके मन के अंदर जो कुछ है बुरा या अच्छा वो बढ़ जाएगा। जो कामी है अगर वो अभ्यास करेगा ज्यादा कामी हो जाएगा, जो लालची है वो अभ्यास करेगा ज्यादा लालची हो जाएगा। तो इस वास्ते संतों के मार्ग में हर शख्स को नाम नहीं देना चाहिए, पहले वो काफी मुद्दत का संग करे, अपने हालात को ठीक रखे, उसको वैराग होना चाहिए। इस वास्ते मैं नाम नहीं देता, मैंने कई नाम नहीं मैं लेना चाहता। एक आदमी था वो बड़ा अक्सर अपने जाते नाम लेना देता था, गुस्सा में था, अब उसकी ये हालत आ गई है, इतना वो गुस्सा है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये नाम हर एक आदमी की चीज नहीं, सत्संग सब के लिए, सबसे बड़ी सारी मुख्यता सत्संग की है। जब तक सत्संग करके किसी बात को तुम समझोगे नहीं तुम रह जाओगे। इंसान अहंकारी बन जाता है, उसमें तरह तरह की बुराइयां मिलता है। हाँ, अगर तुम में बुराइयां हैं और तुम ये इसलिए नाम जपते हो कि तुम्हारी बुराइयां चले जाएं, फिर तुमको फायदा पहुंचेगा। अगर तुम में आदमी के अंदर गंध है, बुरा है, अगर वो इसलिए नाम जपता है कि मेरी बुराई चली जाए, तो जैसी आशा वैसी बाधा। इसलिए असली नाम कुछ अनुभव है कि मन का रूप समझ में आ जाए। मुझको तुम लोगों के मन का रूप समझ आया, सिर्फ इस एक ख्याल से कुम्मा की दूंगा, लोग मेरा ध्यान करते हैं उनके काम बताए। अब मैं सोचता हूँ मुझे तो पता नहीं होता कौन करता है, तो उनका मन करता है। ये मन ही सबसे बड़ा चीज है, तो जो शख्स इस मन के रूप को नहीं समझेगा वो नाम भाई नहीं। और यही सुख स्वामी जी ने कहा, नाम रहे चौथे पद मानी, ये ढूंढे थे लोग की मन। चौथा पद क्या है? जिसम मन और प्रकाश रूपी आत्मा जो हमारे अंतर है, इनसे परे मैं नहीं जा सकता था, मुझ पर तो आप लोगों ने दिया। शिक हुआ जो ज्यादा था, मैंने इसको नाम दिया जो मन मत हुआ हुआ है। मन कच्चा हो गया इसका नहीं समझ में आती, इसलिए शक्ति आई हुई है सारे को नहीं किसी त्राट के लगा के राजी कर देता है। ये नाम नहीं, ये दुनिया का व्यवहार है, जैसा मैं समझा दे रहा है जैसा नाम देख के दूसरे राजी को हो सकता है। ख्याल में बड़ी ताकत है, ख्याल में इंसान से बड़ी ताकत है। ये मैं नहीं कहता कि जायदाद ये काम नहीं कर सकता, कर सकता होगा,
मगर हर जगह नहीं कर सकता, मगर ये संत मत नहीं है। सिद्धि शक्ति करने वाला आदमी कभी भी इस संसार से पार नहीं जा सकता। स्वभाविक मेरे पास एक कई बस सिद्धि शक्ति हो जाती है, मगर मैं आप नहीं कर सकता ना। तो जिन नाम लिया उन काम किया, मैंने आपको बता दिया कि नाम कौन क्या है। नाम है रहे चौथे पदमान, यानी जिस्म मन और शरीर से परे जाकर अपने उस चीज को देखना जानना जो इस मन की साक्षी है, जिस्म की साक्षी है और तुम्हारे शब्द और प्रकाश की साक्षी है, उस चीज वो है असली नाम की प्राप्ति। ये बाकी निचले मन की ये है कि तुम स्मरण ध्यान कर दो, इससे तुम्हारी दुनिया बनेगी। उस नाम से दुनिया नहीं बनेगी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो चौथे पद का नाम है उससे तुम्हारी दुनिया नहीं बन सकती, क्योंकि उसका कोई टैलेंट दुनिया के साथ नहीं है। वो अपनी निवृत्ति मार्ग का, और ना ही ऐसे संत जो वहां पहुंचे हुए होते हैं वो कोई करामात करते हैं। वहां करामात का तो सवाल ही कोई नहीं, वहां तो ये दुनिया त्रिलोकी नहीं है, ना ये दुनिया है, ना वहां मन है, ना वहां प्रकाश है, ना वहां शब्द है। वो तो हमारी जात है अपनी, जहां जहां से हम आए हैं। नहीं समझ में आती आपको मेरे, मैंने क्या कहा? इस वास्ते संत करामात नहीं करता। दूसरों का अपना विश्वास होता है, वो विश्वास से ले जाते हैं। मेरे पास कई ऐसे आदमी आते हैं, वो मुझसे पूछते कुछ नहीं, वो किसी अपने भाव को लेके आते हैं, मेरा सत्संग सुनते हैं, चाहे वो कहे बाबा तेरे सत्संग में गए थे, ये इच्छा ले गए थे, हमारी इच्छा पूरी होगी। अब वो इच्छा मैंने नहीं की, उनका अपना भाव था। संत के दर्शन अगर मिल जाए, बड़ी किस्मत वाले को मिलते हैं। मैं भी हर वक्त संत नहीं रह सकता, बड़ी कोशिश करता हूँ, 24 घंटे मैं भी नहीं संत रह सकता। संत गति वो है जब हमारा अपना आपा, जब मैं सुबह समाधि कर रहा उठा था, उस वक्त मैं संत गति में था। जब मैं सुबह समाधि से उठा था उस वक्त मैं संत गति में था। उस वक्त अगर कोई शख्स अब किसी आशा को लेकर मेरा ध्यान करता वो रू काम होना चाहिए था। ये लॉ ऑफ संत, आप समझे मेरी बात नहीं? सूरज दोपहर को जब चमक रहा है, जब तुम उसकी तरफ देखोगे तुम्हारी आंखें चिल्लाएंगी, मगर वही सूर्य जब बदला रूप पर आ जाएंगे तो फिर तुम्हारी आंखें नहीं चिल्लाएंगी। तुमको मैं गुर बता रहा हूं, दर्शन करने के तरीके बता रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा? संत के दर्शन हो गया, मैं हर वक्त तो संत नहीं जाता, और हर वक्त संत रहता हूं। बताओ मुझे, दुनिया भूली हुई है, इनको जो पता नहीं कि बात क्या है। तो आज सब तपो क्या लिखा है? तो हमारे यहाँ हिंदू मजहब में जहाँ रूहानियत का तरीका है, वहाँ कोई फर्क कुमार में या ब्राह्मण में नहीं। मगर जहाँ सोशल लॉ काम करता है, सोशल लॉ जानते हो ना, हमारा दुनिया में काम करता है, हिंदुओं ने उस वक्त ये रखा कि जो हमारी सोसाइटी के लॉ को तोड़ेगा उसको वो तोड़ देते। वरना हिंदुओं में नास्तिक भी हिंदू, आस्तिक भी हिंदू, नहीं समझ में आती है, तमाम एक दो में थे। मगर जो सोशल लॉ तोड़ता, सोशल लॉ जानते हैं, सोसाइटी का कानून तोड़ता है, उसको वो करते तू भाई छेड़ दो बराजी कर दो बात। तो ये है नाम की मैम। आगे मेरा कह दो दया को देखो, नाम से जगते उजारी, नाम से करे दुख आपस ना से, दुख में नाम जो ले। अब मैं अपनी आत्मा से क्या पूछें, हाथी में क्या लिखा हुआ यहाँ? नाम सकल दुख आपत ना से, दुख में नाम जो लेवे।
अब वो कहते हैं दुख में अगर कोई नाम लेता है तो उसका वो दुख छूट रहता है। ये रोचक बात है और एक चीज के लिए ये चीज मेरे पास कई चीजें आती जो दुखी होते हैं वो राणा स्वामी नाम का जब मेरा ध्यान करते हैं बहुतों को वो जो कष्ट होते हैं ना वो दूर हो जाए। मैं नहीं करता, मैं नहीं कुछ भी करता, ये उनका अपना विश्वास और श्रद्धा काम करती है। तो फिर वो नाम जो तुम्हारे दुखों को दूर करता है वो कौन हुआ? खुशी इच्छा नहीं, वो तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा यकीन, तुम्हारी यकसुई, वो जो है वो नाम है जो तुम्हारे दुखों को दूर करता है। अब आप समझ गए मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आपको? मैं कुछ नहीं करता, ये मैं सावधानी क्यों करता कि अगर मैं ये सावधानी नहीं करता तो आप लोग इस अज्ञान से कि बाबे वकील ने हमको पुत्र दे दिया, बाबे वकील ने हमारा ये काम कर दिया, बाबे वकील ने ये काम कर दिया, और मैं उस सूरत में अगर आपसे कुछ लेके खा जाऊं मैं तो मर गया, तो मैं तो मर गया। तुमको जो कुछ मिलता है ये तुम्हारे अपने विश्वास और श्रद्धा का फल मिलता है। बस ये बता देता हूँ आपको, आप ये गुरुवाई को मंदिर खत्म खाए चले या ना चले, ये मैं जानता हूँ कि मेरी सावधानी से मुझे पैसा नहीं आएगा, मैं जानता हूँ। अगर मैं झूठ बोल के तुम लोगों को अंधेरे में रख करके चार खाते लेके मंदिर बना भी दिया तो जब मेरी जान निकलेगी तो क्या मंदिर में मेरे साथ जाना है? ये बताओ, ये जो तुम दोगे, मैंने दिया हुआ है, मुझे मिला किसी गुरु पूर्णिमा पर एक आदमी चांदी के बर्तन ले आया, कभी आज के लोग थे, उसने मुझे पहन कर दिए, अब मैं हंसा अपने दिल में, मैंने चांदी के बर्तन दिए हुए थे मुझे मिल गए। ये देना देना जो है ये जरूरी है, ये ना समझना कि तुम मत, तुम दोगे तुमको मिलेगा, अगर तुम दोगे नहीं तुमको मिलेगा क्या, क्या हाथ मिलेगा? मगर इस देने लेने में तो तुम ये चाहो कि तुमको परमात्मा मिल जाए, तुम संसार के चक्कर से बचाओ, ये झूठ, ये झूठ है। यानी मैं अपनी जिंदगी में कभी ये उम्मीद नहीं करता था कि कोई आदमी मुझे चांदी का बर्तन आ लेगा। माफ करना मेरी बात को, एक तो मैं बड़ा साफ बयान करने वाला आदमी हूँ, मगर देने वाला दे गया, 500 रुपया नगद दे गया, चांदी का बर्तन दे गया। अब मैं अपने आप से पूछा वो ये क्या खेल है, मैंने दिए हुए थे मुझे मेरा इस बात से ऐ ग्रंथियो, जहाँ मैं तुमको अपना परमार्थ का सबक देता हूँ वहाँ ये देता हूँ, हमेशा दिया करो, किसी दुखी की मदद किया करो, दोगे नहीं लोगे कहाँ थे? आगे जब तुम जाओगे अपने कर्म से, वो तो तालीम सबके लिए नहीं है। अभी इस दुनिया में तुमने कुछ किसी का परोपकार नहीं किया हुआ, तुम आगे क्या रहोगे? खास कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं दुनिया की बातें भी आपको बताया जा रहा हूँ, उनको मैं आपको अपनी मिसाल बताइए। मैं कभी उम्मीद नहीं करता था कोई आदमी मुझे चांदी का पत्नी 1100-1200 रुपया कोई चीज कीमत पूछे तो पता है, मुझे मैं कभी ये उम्मीद नहीं करता कि कोई मुझे चांदी का बर्तन देगा। फिर मैंने कहा राहो ये तुमने दिए हुए, तो इस तजर्बे की बिना पर मैं कहता हूँ कि दो और लो, जो देता नहीं उसको मिलता कुछ, मगर निष्काम होकर दो। इस गर्ज के लिए नहीं हो कि मुझको ये चीज मिले, मैंने इस गर्ज के लिए नहीं मिलेगी कि मुझे चांदी का बर्तन मिले, मैं तो अपने प्रेम के सौदे से आरती करने गया था, दिया था। समझ गए मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आपको? पर आगे दुख दर दर कभी निकट न आवे, सुख से नाम जत देवे। अब अपनी आत्मा से पूछता हूं,
मैं संतों के साथ नाप कटा के शामिल होना नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूं कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। जिस शख्स को असली नाम पता लग गया, जो मैंने कहा है कि नाम रहे तो के पद बन, और वो इस रस्ते पर दुखियों के संसार से नहीं आया, उसको तो दुख क्यों बैठेगा? क्योंकि वो तो इस संसार को ही नाशवान समझता है। अगर उसका पुत्र मर जाए तो उसको काहे का दुख होगा? वो कहता है कि पुत्र है किसका, लड़की है किसकी, नहीं समझ में आती है भाई है किसका। उसको जो कि ज्ञान हुआ है, और वो ज्ञान उसने कब हासिल किया? सत्संग में बैठकर अभ्यास करके जब वो सुखी था तब। क्योंकि दुख के वक्त में तो सिमरन ध्यान को कर नहीं सकता। अब समझ गए मेरे बात को? मैं कोशिश करता हूँ जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों की बात समझ में आ जाए। एक शख्स दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे न को। सुख में जो सिमरन करे दुख काहे को हो, ऐसा भी चल रहा। वो उन्होंने ऐसा कह दिया, दादा ने ऐसा कह दिया, पड़ोस गरी को दुख दर दर कभे न कट नावे, सुख के नाम चित दे। ये जब इंसान को कोई तकलीफ नहीं है, उस वक्त जो आदमी सत्संग करके साधन करता है, अपने रूप का ज्ञान हासिल कर लेता है, उसको दुख क्यों आएगा? फर्ज करो अगर उसका पुत्र मर भी गया और भी मर गई, वो तो उसने ज्ञान को चौथे पद में हासिल किया। वो समझता मेरे को पुत्र नहीं, मेरे को बाप नहीं, मेरे को भाई नहीं, मेरे को चाचा नहीं, मेरे को दादा नहीं। इस ज्ञान से उसको दुख नहीं होगा। और जो ये तुम कहोगे जिसने नाम लिया हुआ उसका पुत्र नहीं मरेगा, उसका बाप नहीं मरेगा, उसका भाई नहीं मरेगा, ये बकवास, ये टाइम रोचक गलत है। बड़े बड़े संतों के पुत्र मर गए। सवाल यह है कि इसका सबूत मैं आपको देता हूँ। मेरा एक लड़का मर गया, बजाय मेरा एक मैं लड़के हैं कि मुझे कोई तकलीफ होती, मेरा कम से कम 200 रुपये का खून बढ़ गया। क्योंकि मुझे ये ज्ञान था, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं लड़कों को पढ़ाता। बह गई लड़की मर गई, मैं बड़ा खुश हो गया। एक कुंवारी लड़की मर गई, मैं बहुत खुश हो गया। क्यों? मैं गरीब था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कहा दाता ने लोगों की आशा की। अब मुझको उनके मरने का जो दुख था वो नहीं हुआ, बल्कि खुशी हुई। क्यों? कि मेरी दिमाग ने, ज्ञान ने मुझको बचाया। ऐसे ही जिन शख्सों को सत्संग में ज्ञान हो जाता है उनके लिए कोई दुख नहीं। वरना अगर कोई ये कहे कि जो ज्ञानी हुआ हुआ उसका पुत्र ना मरेगा, या उसका भाई नहीं मरेगा, या उसका, मैं इस बात के बराबर ये नहीं मानता। ये रोचक बातें हैं जो संतों ने करिए लोगों को अपने पीछे चल लगाने के। आगे जप तप योग पाठ और पूजा नाम संग सब रहते, यम धर्म है नाम अधीना सब संत यो कहते। ये जितने चीजें हैं ये लगातमात हैं। लगातमात जानते हो ना, उस नाम को हासिल करने के लिए। मुझसे अगर कोई पूछे तो जप तप क्या है, कर्म क्या है, ना किसी काम पुरुष के सत्संग में जाके बैठना ही एक कर्म, उसकी बात को सुनना और समझना और गुणना ये कर्म है, उस पर अमल करना ये तप। तो बगैर जप तप और कर्म के कोई आदमी नहीं पहुंच सकता। वो जो जाप पूजा करते हैं वो करते होंगे, मुझको उस जापों से कोई फायदा नहीं। मैं तो सिर्फ इतना समझता हूँ आसान से ही, किसी रियलाइज छोड़ जो खुद बामल है। अगर मैं मानता मंदिर के लिए हेरा फेरी करके आप लोगों से इसलिए बैठा हूँ कि आप लोगों को मंदिर से ले लूँ, मैं संत नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक।
अगर मेरा कोई दुनिया का मिशन है और तब मैं संत मत की तालीम का प्रचार करता हूँ तो मैं संत नहीं, ये झूठी बात बिल्कुल। संत को कोई गर्ज किसी मान का मंदिर या डेरे से नहीं होनी चाहिए, ये मेरे प्रारब्ध कर्म है पिछले जन्म से, आप समझिए मतलब में, या मैंने ये संत बनाया सिर्फ लोग आते थे मेरे घर में जगह नहीं थी, नहीं समझ में आती है, अब वो मकड़ी का दायरा तंग या ज्यादा हो गया। अगर मैं इसलिए काम करता हूँ कि लोग यहाँ आए और ऐसी बातें कहता हूँ कि हाँ मंदिर में चार पैसे आ जाए, कहाँ मैं कहाँ का संत हुआ, मैं संत नहीं ना बिल्कुल। इसी वजह से मेरा कोई कंसर्न मंदिर के साथ नहीं, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक की सेवा करती है, ट्रस्ट है, तुम लोग देखे हो पब्लिक जाता मेरा उसमें क्या चल रहा है, हाँ जो सेवा मुझसे हो सकती है पेंशन मुझे मिलती है 70 रुपये वो सब जहाँ दे देते, लड़का मेरा 15 रुपये के ही देता है, लड़की 5 रुपये के ही देती है, आई टेक नथिंग फ्रॉम कोई तरह मेरा नाम। तो संत बनना बड़ा मुश्किल है, लोग संत बनते हैं देने के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपने मन के लिए, मैं नहीं देखा हूँ, मैं आपको प्रेम से कहता हूँ, मेरे जो कुछ पड़े मैं किसी को कुछ नहीं देता, दुनिया अपने विश्वास से मेरे पास चले जाती, ये बिल्कुल सच्ची बात है। हाँ ये ठीक, जिस तरह तुम लोग अपने विश्वास से कार्य करते हो तुम्हारी विल पावर बड़ी ही होती है, तो तुम अपना काम कर जाते हो, मैं भी अभ्यास हूँ, मेरी भी विल पावर बड़ी हुई है, तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, क्योंकि दाता का हुक्म था तुम लोग आज जो मैं ले जाता हूँ हेल्थ वेल्थ एंड पीस। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा तुमको मुक्ति मिले, क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो आए हैं ये मुक्ति के लिए नहीं आए हैं, दुनिया मुक्ति के लिए नहीं जाती कहीं, जितने आप बैठे कोई एक विरला को होता हजारों में से जो ये चाहता है कि मेरा आवागमन खत्म हो जाए, अगर जो ये चाहता है कि आवागमन खत्म हो जाए मगर साथ ही वो बच्चे पैदा करता है और पोता चाहता है दोता चाहता है तो वो मक्कार है, धोखेबाज है। आप तो मुक्ति चाहने के लिए संतों के पीछे फिरता है और साथ ये चाहता है मेरे घर में होता आ जाए, मेरे घर में दोता आ जाए, मेरे घर में बच्चा हो जाए। जो बच्चे चाहते हैं पोते पोतियां चाहते हैं वो अगर ये चाहते हैं कि हमको मुक्ति मिले, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उनको दर हकीकत में जन्म मरण से बचने का कोई ख्याल नहीं। सोचो मेरी बात, मैंने चाहता पर तो ये आ गया, क्या आप किसी अपने बच्चे को इजाजत देंगे उसके रिजी आने के लिए, नहीं ना देंगे, अगर देंगे तो अगर किसी को ये यकीन है कि ये दुनिया दुखी खाने से बचना चाहिए तो वो ये कभी भी नहीं सोचेगा कि मैं किसी और बच्चा कोई और जीव को पैदा करूं या शादी करूं या उसको बच्चों या बच्चे पैदा करूं। हम लोग बाहर में कुछ हैं अंतर में कुछ हैं, प्रैक्टिकल लाइफ हमारी नहीं ना। आज के हम लोग अनकॉल फॉर चिल्ड्रन पैदा करते हैं, तुम ही बताओ सारे बैठे हुए तुम औरतों के पास जाते हो सिर्फ बच्चों के ख्याल से, या औरतें खसमों के पास जाती हैं बिल्कुल बच्चों के ख्याल से, बात सच्ची कहते हैं कोई अपने स्वाद के लिए जाते हो, फिर वो बच्चे पेट में आ जाते हैं, फिर तुम उनसे ये उम्मीद करो कि वो बच्चे लायक निकलेंगे, ये नहीं होता, ये माँ का जाल इतना पड़ा हुआ है जिससे निकलना महाकठिन, महान कठिन है। मैं अपने आप को जानता हूँ, रास्ता मुझे मिल गया मगर ये बाजे वक्त ऐसा मन मुझे मारता है कि नानी याद आ जाती, जब गुरु भूल जाता है, तुम ये समझो बाबा हजूर मारा दादा दादी मुझे भूल जाते हैं, नहीं वो जो गुरु ज्ञान मैंने सीखा वो जब भूल जाता है तब मन ही पा जाता हूँ चक्कर में आगे बाजे वक्त। मैं आपसे कैसी बात कहता हूँ, कहता हूँ गप मारने के यहाँ मैं पहुँच गया,
की बात नहीं, मैं 95% 98% सच्चाई तो हूँ, मगर 2% 3% मुझमें भी गिरावट आ जाती है बाजू अपने बस की बात आगे। मन से समझ नाम चित लाओ, नाम कभी ना भुलाना। मैं नाम का भेद दे रहा, सत्संग में जाकर पहले नाम जपने की बजाय सत्संग में जाकर कुछ दिनों सत्संग करो, बात को समझो, जब बात तुम्हारी समझ में आ जाए फिर नाम को जपो। अगर फायदा ना हो तो जहाँ मेरी फोटो पर तुम भूल गया तो विशल जूते मारा करो बाजार में रखो। जिस शख्स की को पहले सच्ची समझ नहीं दी गई, वो अगर नाम जगह का गंजा गए गंजे को नाहर मिल जाए वो खून निकाल लेगा। इस वास्ते नामधारी आजकल से ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनको नाम की असलियत का पता है। नाम के जपने से पहले इंसान को सच्ची समझ और सच्चा वैराग होना चाहिए। सच्चे वैराग के मैंने ये नहीं है क्या तुम औरत को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, भाइयों को छोड़ दो, यह गलत है ना। उसका रूप समझना है, उसका रूप काल समझना है, नहीं समझ में आती है उसकी असलियत को जानना है। बच्चे भी रहे तुम्हारे पास, राह जाने की रहे, भाई भी रहे, औरत भी रहे, बीवी भी रहे, अब से भी रहो, उसके रूप को समझो। जब तक रूप को तुम नहीं समझोगे सत्संग नहीं करोगे। इस वास्ते सत्संग की बड़ी भारी महिमा, तुमने सत्संग वो समझा हुआ है जहाँ छाने खड़ते हैं या राशि होती है, किसी हद तक वो भी सत्संग ही है, कथा वार्ता भी सत्संग है, ये मैं नहीं कहता, मगर असली सत्संग वो नहीं है। असली सत्संग है जहाँ से इंसान को समझ नहीं दिया। रामायण में लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुर्ग न होई। जिस सत्संग में तुमको सच्ची सोझी मिलती है वो सत्संग, मगर ये सोझी हर एक को नहीं मिल सकती। मेरे सत्संग में छोटे बच्चे आते हैं क्या करेंगे, मेरे सत्संग में 5, 4, 6, 8, 9, 10 साल के बच्चे आते हैं जिनकी ब्रेन डेवलप नहीं है, उनको क्या फायदा। हाँ उनको ये फायदा, वो आते हैं उनको प्रसाद दे, मैं यही करता हूँ प्रसाद या बाधा मगर बच्चों को दिया, वो उसे खुश हो जाते हैं। ये ठीक, बच्चों के लिए मेरा सत्संग नहीं है, बच्चों के लिए मेरा सत्संग तो सिर्फ प्रसाद है, मिठाई है। वो देख परोसकड़ी को क्या लिखा था दाल ने, मन से समझ नाम चित लाओ, नाम कभी ना भुलाना। कहने मन से पहले समझ करके फिर नाम जपो, तो ये समझ कौन देगा, बाहर का गुरु देगा। आगे राधा स्वामी मत में आकर, राधा स्वामी जप जप माना, काम किया। मत क्या राधा आज का नाम, स्वामी आज शब्द करता, राधा स्वामी कोई मजहब नहीं है। तुम्हारा जो असली सेल्फ है उस मुझे राधा का पता नहीं लगता कि वो राधा क्या, मैं नहीं समझ सकता, ये तुम लोगों ने मैंने समझा। अगर मैं सच्चाई बयान करूं तो नाम मैंने दाता दास दे दिया, मगर असली नाम मुझको तुम लोगों से मिला, आप मेरे गुरु। मैं अगर ये झूठ का मैं खुशामद की बात नहीं कहता, मेरा जो अंतर का असली भाव है वो है, मैंने संत मत को सिर्फ तुम लोगों से समझा। जब से ये पता लगा कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, आंखें बंद कर ली, मेरी आंखें खुल गईं। ओहो मैं क्या समझता था, तो नाम जो है ये तब लेना चाहिए जब मन की हालत का, मगर जो दुनियादार है उनके लिए ये संत मत का नाम है बिल्कुल ठीक, उनके लिए 5 नाम। यहां नाम जपोगे कमल में जिसको सरसरार बोलते,
ये जो राधा स्वामी नाम है या सत्य नाम है या निज नाम है, ये भवसागर से पार करने के लिए है। ये जो पांच नाम है ये दुनिया के सुखों के लिए है। इसलिए आमतौर पर संत पंच नाम देते हैं। वो जानते हैं कि जो सत्य नाम है या निज नाम है उसको दुनिया समझने का काबिल है। इसलिए आम जनता के लिए पांच नाम बिल्कुल ठीक है। पांच नाम क्या है? क्षत्राकार, ये सर्व। जिस किस्म के ख्याल वासना अपने अंदर रख के तुम अभ्यास करोगे यहाँ, वो तुम्हारी वासना अपनी जात के लिए अगर हो तो जल्दी पूरी हो जाए, मगर दूसरों के लिए नहीं, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती। ये ज्योति स्वरूप का रहता है, ज्योति स्वरूप दुनिया को पैदा करता है। जो आदमी अपने अंतर भूत स्वास्थ्य पर सभी तरफ रहने पर को जागर स्वप्न सृष्टि जी को छोड़कर प्रकाश को अंदर प्रकट करता है, उसका काम बन जाता है। तो जो दुनिया चाहते हैं, दुनिया की तरक्की चाहते हैं, उनको ये पहली स्टेज का जो ध्यान है ये करना चाहिए। जो मन का आनंद चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, सच्ची समझ चाहते हैं, उनको चिकित्सा में अभ्यास करना चाहिए। और जो मन की मस्ती चाहते हैं, मन की मस्ती आनंद मन का खुशी, वो तो में अभ्यास करें, ब्रह्मासन का अभ्यास करें। जो आत्मानंद लेना चाहते हैं वो भवन को भगा, जहाँ जहाँ मैंने हाथ रखा हुआ जहाँ ध्यान करिए वहाँ का ध्यान करें। और जो सतलोग या हमेशा के लिए स्त्रियों से बचना चाहते हैं, वो मन के चक्र को छोड़े, जब तक नहीं छोड़ेंगे उनका आवागमन खत्म नहीं हुआ। मुझे अपना पता नहीं, मेरा क्या हाल है दादा, मैं आपके चरण में मिल गया था, आपने काम दिया, मुझे पता नहीं मैंने जो कुछ किया हट किया या मैंने ठीक किया। मैं एक मार को मारने वाला आदमी, बाकी मजे सब छूट गए। मैं एक वह लाल शरीफ का पैराव का उसको मैंने गुरु के रूप में माना, जो कुछ उसने हुक्म दिया मैंने कर दिया। हो सकता है दोस्तों मैंने जो कुछ कहा हो लिखा हो ये सारा गलत, मैं कोई दावा नहीं करता, काम को आगे जाता हूँ। उम्र मेरी गुजर गई, अब श्री छोड़ी दिन नजदीक है, जो कुछ मैंने किया अपनी नीयत से साफ साफ किया। अपनी जाति गरज, जाति मान, जाति इज्जत के लिए या राजा स्वामी मत के लिए या गुरु महाराज के शान के लिए मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ मैंने समझा के जाय कर दिया, आप जो बात आते हैं आपका एहसान मानता, दुआ करो ये शीत जल्दी छूट जाए। बुरा हो गया कोई ना कोई रोग रहता है, बानवे साल का हो गया, अब ये महावारी सत्संग के बाद 22 तारीख को अमरीका जा रहा हूँ, जरा जाता नहीं, उसकी मौत उसकी इच्छा अपना कर्म का मैंने खो दिया। आप लोग सत्संग में आते हैं, मैं जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ, यही कहता हूँ मालिक तुमने काम दिया था, आपने कहा था काम, ये लोग आते हैं इनके मनोकामना है, तुम लोगों की मनोकामना पूर्ण हो, तुम तंदुरुस्त रहो, तुम्हारी इज्जत रहे, खाने को रोटी मिले, मन को शांति तुम्हारे मिले, तुम्हारी मैं और कुछ नहीं कर सकता, सबको क्या करता हूँ।